बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है रिटेंटिव टाइमर कैसे काम करता है। इसके लिए मैं जेएक्स डेवलपर को ओपन करता हूँ। उसी तरीके से हम प्रोजेक्ट में जाकर के न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, पीएलसी सीरीज़ और पीएलसी टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे और प्रोग्रामिंग विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। प्रोग्रामिंग विंडो में हम ऑफ डिले टाइमर को डिज़ाइन करेंगे, रिटेंटिव टाइमर को हम यहाँ पे बनाएंगे। रिटेंटिव टाइमर से मुराद वो टाइमर होता है जो अपनी टाइमिंग को रिटेन करता है। मसलन एक टाइमर ने 50 तक जाना है तो उसको मैं अगर 30 पे स्टॉप कर दूँ तो 30 पे ही रुक जाएगा, ये ज़ीरो नहीं होगा। जबकि ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर जब उनको स्टॉप करते हैं तो फौरन ज़ीरो हो जाते हैं, टाइमिंग की ज़ीरो हो जाती है। ये ज़ीरो नहीं होता, ये 30 पे स्टॉप किया, 30 पे रुका रहेगा, उसके बाद दोबारा ऑन करेंगे तो दोबारा 30 से आगे चलने लग जाएगा। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। मैं एक इनपुट लेता हूँ X0, उसके साथ मैं रिटेंटिव टाइमर लगाता हूँ। मित्सुबिशी पीएलसी के अंदर जो हमारे पास FX3UC16M का मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर रिटेंटिव टाइमर इसके डिज़ाइनर ने, मैन्युफैक्चरर ने T250 से लेकर के T255 तक जो टाइमर हैं उसको रिटेंटिव टाइमर कहा है। तो बाकी टाइमर्स को आप नहीं यूज़ कर सकते रिटेंटिव टाइमर के लिए, क्योंकि ये इसकी मैन्युफैक्चरर ने इन टाइमर्स को रिटेंटिव टाइमर बनाया है इसके लिए। तो हम इसके लिए जो भी यूज़ करेंगे T250, T251, यानी 55 तक हम इन टाइमर्स को रिटेंटिव टाइमर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, T250 स्पेस के 70 कर देता हूँ, लेट्स सपोज ओके। T250 मेरे पास रिटेंटिव टाइमर है, इसका मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट यूज़ करता हूँ, कॉन्टैक्ट क्योंकि ये टाइमर T250 है तो टी हमारे पास T250 होगा। नॉर्मल ओपर कॉन्टैक्ट में लेता हूँ और उसके साथ में कोई आउटपुट में कोई चीज़ लगा देता हूँ, लेट सपोज Y7 है या कोई एक और आउटपुट भी मैं लगा देता हूँ। वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन ड्रा करेंगे और उसके साथ हम लगा देंगे एक और आउटपुट Y6। हम यहाँ पे एक और आउटपुट लगाना चाहते हैं Y6, तो Y6 आ गया है। शेडेड इस वजह से है कि अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑनलाइन में जाकर के राइट टू PLC करेंगे, प्रोग्राम प्लस पैरामीटर एग्जीक्यूट राइट टू PLC, यस। आफ्टर स्टॉप रिमोटली इज द PLC राइटिंग एग्जीक्यूटेड, यस। PLC स्टेट इज स्टॉप, इज रिमोट रन एग्जीक्यूटेड, यस। अब ये लोड हो गया प्रोग्राम PLC के अंदर। इसको हम मॉनिटर मोड में जाकर के देखेंगे कि हमारे पास ये क्या काम कर रहा है। ये देखें, टाइमर पहले से चल रहा था, इसने 250 तक काउंट कर लिया था। अब इसके स्विच को मैंने स्टॉप कर दिया है, इसको मैं दोबारा ऑन करता हूँ। यानी क्या है, यानी ये 70 तक चला गया है, इसने अपनी 70 इसने पूरे कर दिए हैं, उसके बाद इसने दोनों को ऑन कर दिया है। इस टाइमर में एक प्रॉब्लम ये है कि इसने अपना टाइमिंग पूरा कर दिया, उसके बाद ये रीसेट खुद बहुत नहीं होता। इसको रीसेट करने के लिए हमें अलग से कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये देखें, इसको मैंने यहाँ से चलाया है, ये 50 तक की 250 के 70, इसको 50 से आगे यानी हमारे पास 70 तक जाना चाहिए। इसको मैं दोबारा से जाता हूँ एडिट मोड में, राइट मोड में, टाइमर को दोबारा से हम यहाँ पे, क्योंकि ये टाइमर हमारे पास रिटेंटिव टाइमर है, रिटेंटिव टाइमर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से वो कन्वर्ट करके ऑनलाइन में जा करके राइट टू PLC करते हैं, प्रोग्राम प्लस पैरामीटर एग्जीक्यूट, यस यस। और इसको मैं दोबारा से यस कर दिया, अब ये PLC की मेमोरी में चला गया है। मॉनिटर मोड में हम जाकर इसको चेक करते हैं,
मैं दोबारा से ऑन करूँगा, क्योंकि ये ऑन इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि इसने 50 तक चला गया है। अब इसको वापस ज़ीरो पर लाने के लिए इसको रीसेट करना पड़ेगा, इसके लिए मैं दोबारा से इसके लिए रीसेट की कमांड यूज़ करूँगा राइट मोड में जा करके। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और इनपुट लूँगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इनपुट लेता हूँ x1, लेट्स सपोज x2 कर लेते हैं, और उसके साथ मैं रीसेट की कमांड यूज़ करूँगा। रीसेट के लिए हम ये बड़े ब्रैकेट यूज़ करेंगे, इंस्ट्रक्शनल कमांड, और यहाँ पे लिखेंगे RST T250 space T250। तो अब ये रीसेट की कमांड यूज़ की है तो तब ये टाइमर ज़ीरो होगा, पहले ये ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये जिस पोजीशन पर रोका उसी पोजीशन पर रुका रहता है। जब दोबारा चलाएंगे तो उस पोजीशन से आगे चलेगा, और जब अपने टाइम पूरा कर लेगा तो उधर रुक जाएगा, और दोबारा ज़ीरो करने के लिए हम इसको रीसेट करते हैं। बाकी तो हमारे पास ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर्स हैं, उनमें रीसेट की ज़रूरत नहीं होती थी, जहाँ पर उनको हम स्टॉप करते थे ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाते थे, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होता, इसके लिए हमें इसको ज़ीरो करना पड़ता है रीसेट की कमांड के थ्रू। इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, उसी तरीके से कन्वर्ट ऑनलाइन में जा करके राइट टू PLC करेंगे, प्रोग्राम पास पैरामीटर एग्जीक्यूट, यस। अब इसको हम ऑनलाइन में जाकर के मॉनिटर मोड में चेक करेंगे, देखिए 50 ने पहले से शो कर रहा है। अब इसको मैं रीसेट करना चाहता हूँ तो X2 को मैं प्रेस करूँगा, ये देखिए ज़ीरो हो गया। X2 को मैंने प्रेस किया, ये टाइमर दोबारा से ज़ीरो हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टाइमर को दोबारा चलाता हूँ, ये चलाया में ये चलने लग गया है, ये 70 तक जाएगा, जब दरमियान में स्टॉप कर दूँ तो उधर ही रुक जाएगा, 37 पे रुक गया है। अब मैं दोबारा इसको ऑन कर दूँ तो चलने लग जाएगा, दोबारा मैं इसको स्टॉप कर दूँ 57 पे रुक गया है, ये आगे ही जाएगा और स्टॉप करने पर अपनी पोजीशन को रिटेन रखता है, इस वजह से इसको रिटेंटिव टाइमर कहते हैं। और जब ये 70 पूरे कर जाएगा तो उसके साथ जो भी चीज़ें लगी हुई हैं इसका ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, 70 पूरे करने के बाद ये कॉन्टैक्ट इसका क्लोज होगा, तो साथ लगी हुई Y7 और Y6 दोनों ऑन हो जाएंगी, जो भी चीज़ें मोटर है या जो भी बेल्ट है, जो भी चीज़ हम चलाना चाहते हैं, कोई मशीन है वो इससे चलने लग जाएंगी। तो हमारे पास ये क्या करेगा, इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये 70 पूरे करेगा, ये 70 पूरा हो गया, उसके बाद ये हमारे पास ये दोनों आउटपुट एनर्जाइज हो गए। लेकिन अब इसको मैं दोबारा ज़ीरो नहीं कर सकता, अगर देखें X0 को मैं ऑफ़ कर दूँ, X0 को मैंने ऑफ़ कर दिया है, X0 ऑफ़ है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं हुआ, ये 70 पे ही खड़ा है। इसको ज़ीरो करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको रीसेट करते हैं, ये रीसेट करेंगे तब ये ज़ीरो होगा। X2 को मैं प्रेस करूँगा, ये इसको रीसेट करेगा T250 को, तब जाकर के टाइमर ज़ीरो होगा। तो मैं क्या करता हूँ, X2 को मैं प्रेस करता हूँ, ये टाइमर दोबारा से ज़ीरो हो गया। अब इसी तरीके से दोबारा इस टाइमर को चलाना चाहते हैं तो ये दोबारा चलाएंगे, जहाँ पे आप स्टॉप करना चाहते हैं वहाँ पे स्टॉप कर दें, चलाना चाहें दोबारा चलने लग जाएगा, जहाँ पे आप स्टॉप करना चाहें दोबारा स्टॉप हो जाएगा, और जब टाइम पूरा कर देगा उसके बाद ये आउटपुट में जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उसको एनर्जाइज कर देगा। इसके लिए रीसेट का कमांड इस्तेमाल करनी बहुत ज़रूरी है, रीसेट के बगैर ये टाइमर काम सही तरह नहीं कर सकता। इस वजह से जो पहले हमारे पास जो टाइमर थे ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर, उसमें रीसेट की कमांड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जहाँ पर हम स्टॉप करते हैं ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाते थे, लेकिन ये टाइमर ऑटोमेटिकली ज़ीरो नहीं होता, इसलिए हमें इसको ज़ीरो करना पड़ता है, और इसलिए हमें इंस्ट्रक्शनल कमांड RST यानी रीसेट की कमांड यूज़ करनी पड़ती है, तब जाकर के टाइमर रीसेट होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको PLC HMI SCADA से मुतालिक वीडियोज़ यहाँ से मिलेंगी, जिसको आप सीख करके अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं।